एरिक्सन के 4 टन के 3 फेज के यूनिट हैं, ये शादी हाल यहाँ पे लगे हुए थे। इनमें कंप्लेन आए थे कि यूनिट ऑन नहीं हो रहा, मैं कूलिंग नहीं कर रहा। तो जब मैंने इसको चेक किया तो इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहा था तो इसकी फेज़ की डायरेक्शन जो थी वो गलत थी। तो फिर इसको मैंने सेट करके चलाया सर, इसके न्यूट्रल फेज, ये तीनों फेज इसके अंदर आए हैं, ये देखिए। ठीक है, ये तीनों फेज इसके अंदर आए। ये जो तारें हैं ये इंडोर से आती हैं, इंडोर से कॉमन जा रही फेज आ रही। और ये जो इसके अंदर स्विच लगा हुआ है ये लो और हाई प्रेशर को कंट्रोल करता है। और ये जो कार्ड लगा हुआ है ये 3 फेज के डिटेक्टर है, अगर फेस उल्टा होगा तो ये नहीं चलने देता कंप्रेसर को। ठीक है, बाकी जो इसके अंदर से वायरें जा रही हैं ये LP स्विच HP स्विच का होता है, ये इसका कंडक्टर है। ये ऑन होगा तो आपका आउटडोर यूनिट चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमने गेज लगाई है चार्जिंग, इसके गेज का प्रेशर दे के चेक कर रहे हैं। लाइटें ब्लिंकिंग करती हुई नज़र आ रही होंगी, ये नीचे की तरफ देखिए, ये लाइटिंग ब्लिंकिंग करती हुई नज़र आ रही है। ये जब लाइटिंग ब्लिंकिंग करती है तो उसका मकसद ये होता है कि आपका जो फेस है वो उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, ये एक्शन में अक्सर मुझसे पूछ रहे थे पहचान बताएं कि पता कि ये कार्ड इसको चलने ही नहीं देगा। ये देखें, ये रिले आपको नज़र आ रही है चार, ये देखें बैक साइड पर अंदर नज़र आ रही होंगी, वो साइड पर देखें लाइटिंग ब्लिंकिंग कर रही है वो। अब जैसे ही वो ऑन होगा, अगर सही फेस लगा होगा ना तो इस तरीके से ब्लिंकिंग नहीं करती, एक ही लाइट जलती है उसकी। अभी मैं सही फेस करके आपको वो भी चेक करवा देता हूँ। इधर से भी देख लें, आपको नज़र आ रही होंगी लाइटिंग ब्लिंकिंग करती है, वो देखें आ रही है ब्लिंकिंग करती हुई लाइट, ये है वो देखें, आपको रेड कलर की और येलो कलर की लाइट नज़र आ रही है ना, वो करती है फ्लैश, ये है, ये फ्लैशिंग करी। इसका मकसद ये है कि ये इसका फेस चेंज होगा, ये उल्टा है परमानेंट, जो इसकी उल्टी चल रही है इस वजह से। अब हम इसको फेस चेंज करके फिर जब चलाएंगे तो ये देखिए लाइटिंग जो रेड कलर की है जल पड़ेगी और बाकी जो ब्लिंकिंग करी वो ख़त्म हो जाएंगी। क्या आपको नज़र आ रही है लाइट, वो देखिए रेड कलर की लाइट नज़र आ रही होगी आपको। अब ये ओके है यूनिट, अब इसमें ब्लिंकिंग नहीं कर रही है, देखिए लाइटिंग ब्लिंकिंग नहीं करी, वो देखे रेड कलर की, ये यूनिट चल पड़ा। अब आपका कंडक्टर लगा है, फेस भी चल पड़ी है, कभी मैं अभी चेक करना फ्लैशिंग कर रहा हूँ यूनिट तो आपने उसको चेंज कर देना। ये कनेक्टर रिले है, ये इसकी छोटी रिले लगी, HP और LP स्विच जो है गैस कम होगी, ये इसका हाई प्रेशर स्विच है, ये लो प्रेशर स्विच लगा हुआ, ये इसको कम ज़्यादा गैस कम होगी तब भी नहीं चलने देगा, ये हेड प्रेशर बढ़ रहा होगा तब भी नहीं चलने देगा। ये कंडक्टर ले उसको, ये छोटी रिले उसको कंट्रोल करती है, उससे फिर ये बड़ी कंडक्टर रिले कंट्रोल होती है। 3 फेज का जो एक्शन का यूनिट है और ये कार्ड इसके अंदर लगा था जो फेस डिटेक्टर है, उल्टा होगा तो आपको चलने नहीं देगा कंप्रेसर की, प्रेशर अगर उल्टी होती है तो चलने नहीं देगा। ठीक है, ये अक्सर कार्ड में प्रॉब्लम आ जाती है, देखिए रेड कलर की लाइट आपको नज़र आ रही है वो अंदर करके, ये यूनिट ओके ओके चल रहा है। ठीक है, वो भाई ने जो पूछा था कि सर कैसे पता लगे उल्टा सीधा, तो ये तरीका था, ओके हो गया यूनिट चल रहा है, प्रेशर भी देख लें तकरीबन 75 के करीब चल रहा है प्रेशर, ये यूनिट ओके है। अब ये यूनिट ओके हो गया है तो ये AC अब चलने लग गए हैं सारे, तो ये ऑन कर दिए। ये शादी हॉल में जो फंक्शन चल रहा था तो ये यूनिट ओके है, तो ये हो गया।